के मैं ही बोले जाऊं भाई, शार्ट कट में बोल रहा हूँ संचालक जी, एक ग्रेड में नीचे उतर जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। एक आध क्वेश्चन होना चाहिए भरत, कितना 1500 हुआ ना, और 1500 लोग इक्का दुक्का बीड़ी तंबाकू चाय नाश्ता वाले, करीब 3000 लोग थे राणा कुंजा के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ लड़ने वाले, और मुगलों के खिलाफ मुगलों के मुगल वाले कितने थे, वो थे करीब 10000 लोग, कितने थे 10000 लोग। तो हम जब राणा कुंजा के नेतृत्व में करीब 3000 लोग थे, 3000 में से करीब 1600 लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे, कितने 1600 लोगों ने शहादत दे दिया था, मतलब मुगलों का गुलाम हमें नहीं बनना है, हमें आजाद रहना है, मतलब 3000 में से 1600 लोग कुर्बान दे दिए, बचे कितने 1400, 1400 लोग बचे, और वो लोग थे करीब कितने, मुगल कितने थे 10000 से भी ज्यादा थे, और उनमें मौतें हुई थी केवल 150, उनमें से 10000 लोग थे टोटल, 10000 में से केवल 150 लोग मरे, केवल 150 लोग ही शहीद हुए, तो बचे कितने 10000 में से 150 काट लो कितने बचे 850, हाँ 200 300 350 घायल में मान लो भले ही, है ना, ठीक है, मतलब 9500 लोग थे वो, 9500, और हमारे लोग कितने थे 1400 लोग थे। उसके बावजूद भी आखिरी में जब परिणाम आया उसका रिजल्ट का युद्ध का, तो अपने राणा कुंजा की सेना जीत गई थी। मैं तो सवेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था, पढ़ते पढ़ते मुझे ध्यान में आया फेसबुक पर आज तो राणा कुंजा चल रहा, थोड़ा देख लेते इस भी क्या है, तो मुझे आज सवेरे मुझे सचमुच पता किया मैंने। तो आप जब यहाँ पर आज राणा कुंजा की मूर्ति की स्थापना करिए, प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं, मेरा आपसे दिल की गहराइयों से अपील है कि मूर्ति तो यहाँ पर बन गई, इस मूर्ति को जब यहाँ पर स्थापित करना था तब से लेकर के आज दिन तक यहाँ विवाद चला आ रहा है। मेरा ये कहना है कि मूर्ति के नाम पर हम विवाद करते हैं, लड़ते हैं आपस में, किसी के पास पीला गमछा है, किसी के पास नारंगी वाला है, किसी के पास कांग्रेस वाला दुपट्टा है, आप दुपट्टों के नाम पर ही लड़े जा रहे हो। तो ये इतना बड़ा विचार यहाँ पर आपने स्थापित किया बतौर मूर्ति, एक शंका तो जरूर पैदा हो रही है कि आप लोग लगातार ऐसे ही लड़ते फिरोगे, ऐसे ही लड़ते मरोगे क्या भाई? जब समाज के नाम पर एक प्रतिमा स्थापित हुई है, सबको मिलना चाहिए, जाजिम पर बैठना चाहिए। हम पर भी बार बार लोग फोन आ रहे थे, हम तो संगीता मैडम सोचते थे धरने पर बैठ जाए, यहीं पे जाके थाने वाने में, है या कि नहीं? और दोनों पक्षों के खिलाफ, जयस वालों के खिलाफ भी, विजय वालों के खिलाफ भी, और गुड्डू भाई साहब के खिलाफ भी, मतलब कांग्रेस भाई। जब आप लोग एक एक, एक जो है हमारा पूर्वज है ना राणा कुंजा, हमारे पूर्वज की प्रतिमा के नाम पर हम लोग आपस में लड़ रहे हो, तो तुम लोग ये कब सोचोगे कि जयस वाले का बच्चा भी अच्छा स्कूल में पढ़ाई करे, बीजेपी वाले का बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, है ना, कांग्रेस वाले के बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो स्कूल में, ये विचार हमारे दिमाग में कब आएगा? जब हम समझदार होकर के, हमारी इतनी इतनी आयु हो गई, कोई 30 का, 25 का, 45 का, 40 का, 50, 60 साल के लोग भी आपस में लड़ रहे हैं गमछे के नाम पर, डामर साहब कलर के नाम पर लड़ रहे हैं। तो ये चंदा इकट्ठा करके मूर्ति ला के क्या कर लिया फिर? मेरा आपसे इतना कहना है, इस गांव के लिए और इस पंचायत के लिए आप लोग, पहली बात तो ये है, ये राणा कुंजा है, ये आपके भगवान से कम नहीं है। पहली बात तो आज से 450 साल पहले इन्होंने बताया था कि हमारे वतन को गुलाम नहीं होने देना, हम लोग चलो गुलाम नहीं होने देंगे हमारे वतन को, ना वतन का गांव मुक्त भी होता है, मतलब हमारे गांव का हम गुलाम नहीं होने देंगे, हम आजाद रहेंगे, लेकिन आजाद रहकर के हम क्या करना चाहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। धर्म भी बढ़ाना, बिल्कुल बढ़ाएंगे धर्म, लेकिन हमारी हालत जो, इस हालत को भी सुधारना पड़ेगा। पूरे आदिवासी इलाके में जाकर के देखो, कभी परीक्षा का रिजल्ट आता है, एमपीपीएससी का आता है, यूपीएससी का आता है ना, मेडिकल का आता है, इंजीनियरिंग का आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आता है, जज का आता है, आदिवासी इलाके के गांव के अंदर में सिलेक्शन ही नहीं होते। फलाना विवेकानंद कॉलेज का सिलेक्शन हो गया,
अलकापुरी वाले का जज बन गया, फलाना कानगुली वाले का ये बन गया, तो इसके लिए कौन काम करेगा? हम लोगों को जिंदाबाद मुर्दाबाद के आगे भी निकलना पड़ेगा, जोहार और जय श्री राम से और जय गुरु से भी आगे निकलना पड़ेगा। अगर यही करते रहेंगे तो 60-70 साल बाद सब फिर निकल जाएंगे दोबारा, फिर जो नई कौम आ रही, नई जनरेशन आ रही, उसका क्या होगा? वो पीढ़ी उसका अस्तित्व खतरा है। आज से 450 साल पहले आजाद रहने का फॉर्मूला बताया था और आजाद रहे भी, आज आपस में ही लड़ भिड़ रहे। इस शिवगढ़ के आसपास के जितने भी छोटे मोटे गांव लगे हुए, शिवगढ़ कस्बे से आदिवासियों की 50% से ज्यादा जमीनों के ऊपर गैर आदिवासियों ने कब्जे कर रखे। अब कोई बोलते हो ये देख लो ये तो लड़ाई करवाने की बात करती है, मेरे को क्या करवाना लड़ाई करवा के है? टाइम हो गया देखो, लड़ाई करवाने के मेरा कोई फार्मूला नहीं है। अभी फेसबुक पर देखता आ रहा, एक राजपूत समाज के भाई बोले कि भाई तुम राणा पुंज को फिल्म मत बोलो, हमको तकलीफ पड़ती है। हेलो, उनकी भावनाएं बोलते हमारी भावनाएं आहत होती, ठीक है तुम्हारी भावनाएं आहत, हम फिल्म बोलना बंद कर देते। हेलो, सही है कि नहीं? पर आपके अगर अस्तित्व को बना करके रखना है तो आपका इतिहास कायम रहना चाहिए, आपका इतिहास कायम रहना चाहिए। मैं डोंडियार से डोंडिया लगा दूंगा तो आने वाली मेरी जो जनरेशन है वो भी खत्म, सही है कि नहीं? राणा पुंजा भील, फिर लिखा हुआ आया कि भील लोग थे, भीलों का नेतृत्व किया था राणा पुंजा ने, और कहते कि राणा पुंजा तो बोले राजपूत समाज के थे, भीलों का नेतृत्व के इसलिए इनको भील लगाने लगे। मेरा ये कहना है ये जो लोग ऐसा कहते उनको कि भाई आदिवासी में तो नाम होता है, पुंजा होता है किसका, कमलिया नाम होता है किसका, भेरिया नाम होता है, सही है कि नहीं? तो पुंजा भील तो समझ में आता, पर इसमें राजपूत कहां से आ गया? सही है ना? हाँ, ये जरूर है कि वतन की रक्षा के लिए हम लोग एक कौम किसी और कौम के साथ पार्टनरशिप करके हमारी वतन की सुरक्षा कर सकते हैं, आदिवासी और राजपूत आपस में मिल करके और देश की रक्षा कर सकते, ये तो बिल्कुल मानने में आता। पर कुछ तो लोग कह रहे कि आप राणा पुंजा के आगे भील मत लगाओ। अब जब भील लगाना बंद कर दे, क्या हमारी जमीनें बचेगी? क्या हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेगी? इसलिए इशारा हो रहा है, कमलेश्वर ज्यादा बोल रही है, आप बुरा मत मानना, मेरा तो रोज का ही काम है, पर कभी बुरा लग जाए थाने में जाना, रिपोर्ट करिया ना, काट लेंगे एक और बार, जेल वेल क्या है। ठीक है भाई लोगों, एक संदेश दे करके जा रहा हूँ, हमें एकता में जरूर रहना होगा, एकता में रह करके और हमें समाज की भलाई के लिए हमें काम करना पड़ेगा, तो ही इस राणा पुंजा की प्रतिमा को लगाने कुछ फायदा हो सकता है। वरना अगली बार फिर कभी कोई मीटिंग करेंगे तो आप मीटिंग के लिए लड़ोगे, बीजेपी के लोग बोलेंगे कि राणा पुंजा की मूर्ति हमने लगवाई, यहाँ पर मीटिंग हम करेंगे, जेएस वाले बोलेंगे चंदा हमने भी दिया साहब, हम भी मीटिंग करेंगे। इस टाइप की लड़ाइयां यहाँ पर होने जैसा मुझे लग रहा है, तो कृपा करके आपस में ना लड़े। मानो तो आप सारे हिंदू हो, है ना? अब आपस में कुछ कह रहे कि हिंदू हिंदू के लिए लड़ रहे हैं, भाई हिंदू होने के पहले 5 जनवरी 2011 के फैसलों को जरूर पढ़ लेना। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी इस देश का मालिक हो, आप मालिक पहले है धर्म बाद में है। हाँ ठीक है, थोड़ी सी बात तो कर दो। सुनो सुनो, मैं खत्म कर रहा हूँ, अरे भाई खत्म कर रहा हूँ, आखिरी मैसेज, आखिरी मैसेज सुनो, आखिरी आखिरी मैसेज, आखिरी थोड़ा सा धैर्य कर लो, थोड़ा थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मैं तो भैया बात कर रहा हूँ कि लड़ना मत आप आपस में, नहीं लड़ना तो लड़ते फिर ना, फिर हम तो इसी रास्ते से जाएंगे, मौका मिला हम भी मजे मार जाएंगे। जोहार। धन्यवाद भाई साहब, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, मैं अब इस घड़ी को आगे बढ़ाते हुए